आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है दक्ष। दक्ष एक ऐप है जो कि आरबीआई से संबंधित है और जो फिलहाल ही लॉन्च भी हुई है। भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नई सुपर टेक पहल दक्ष लॉन्च की है। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने इसे लॉन्च किया है जो पर्यवेक्षीय प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत बनाएगा। इसकी मदद से बैंकों और अन्य एनबीएफसी की कार्यप्रणाली की निगरानी में मदद मिलेगी। दक्ष एप्लीकेशन क्या है? तो दक्ष एक वेब आधारित एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आरबीआई बैंकों एनबीएफसी जैसे पर्यवेक्षीय संस्थाओं में अनुपालन कल्चर को और बेहतर बनाना चाहती है। दक्ष का अर्थ है कुशल और सक्षम, जो एप्लीकेशन की अंतर्निहित क्षमताओं को दर्शाती है। इस ऐप का उद्देश्य क्या है? दक्ष एप्लीकेशन के माध्यम से आरबीआई नवीनतम डेटा और विश्लेषणात्मक उपकरणों की मदद से बैंकों की स्वचालित कार्य प्रक्रियाओं में और पारदर्शिता लाना चाहती है। आरबीआई बैंकिंग सेक्टर में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना चाहती है। इसकी मदद से आरबीआई बैंकों एनबीएफसी के कामकाज पर सुचारू रूप से निगरानी कर पाएगा। दक्ष एप्लीकेशन से लाभ क्या होंगे? तो दक्ष एप्लीकेशन की सहायता से आरबीआई बैंकों की कार्य प्रणाली पर बेहतर नजर रख पाएगी। यह एप्लीकेशन एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंकों से जुड़ी सभी प्रकार की गतिविधियों का अवलोकन कर पाएगी। इस उन्नत पर्यवेक्षीय सिस्टम की मदद से आरबीआई बैंकों से जुड़े निर्बाध संचार निरीक्षण योजना साइबर घटना रिपोर्टिंग और विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट आदि का सुचारू रूप से संपादन कर पाएगी। इस ऐप के आ जाने से बैंक ग्राहकों को भी बैंकों की ओर से बेहतर और पारदर्शी सुविधा प्रदान होगी। बैंक कर्मचारी ग्राहकों के साथ किसी प्रकार का कोई फ्रॉड या गलत डेटा नहीं ले सकेंगे, जिससे भारत के बैंकिंग सिस्टम पर भी ग्राहकों का और भरोसा बढ़ेगा। आरबीआई का मुख्य फोकस क्या है? तो आरबीआई का मुख्य फोकस भारत में बैंकिंग सिस्टम नेटवर्क में निगरानी तंत्र को और बेहतर करने के साथ साथ देश की वित्तीय संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता लाना है। साथ ही देश के बैंकिंग नेटवर्क को साइबर हमलों से मुक्त बनाना है। आरबीआई की दक्ष पहल भारत के बैंकिंग सिस्टम नेटवर्क को और पारदर्शी बनाने में मदद करेगी। अब अगर आरबीआई के बारे में हम बात करें तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। शुरू में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था, जिसे बाद में स्थायी रूप से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। वर्ष 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वर्तमान में इसके गवर्नर शशिकांत दास है। इसके साथ ही ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हम कल फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।